आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी तीखा और चटपटा लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का अचार, जो खाने के फीके स्वाद को भी कई गुना स्वादिष्ट बना देता है ये, और ये बहुत आसानी से झटपट बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार चटपटी रेसिपी को बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शीला, स्वागत है आपका मेरे चैनल द होमी मील्स में। तो मिक्स अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये मोटी वाली हरी मिर्च ली है, ये 250 ग्राम मिर्च है। तो आप अचार बनाने के लिए बाजार से जब भी मिर्च लाएं, तो इस तरह से मोटी ताजी डार्क कलर की एकदम टाइट मिर्च लेनी है आपको। और यहाँ पर 100 ग्राम लहसुन और 50 ग्राम अदरक लिया है हमने। इन सबको छीलकर अच्छे से मिर्च के साथ चलते हुए पानी से धोकर सुखा लिया है हमने, और इनके ऊपर की डंठल को तोड़कर इसमें अब हम चीरा लगाएंगे इस तरीके से। तो दोस्तों, अचार बनाने से पहले इन सबको अच्छे से धोकर पंखे में या तो फिर धूप में 1 घंटे के लिए सुखा लीजिएगा अच्छे से। इनमें मॉइस्चर या नमी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो ये देखिए दोस्तों, सारी मिर्चों में चीरा लगा लिया है हमने, और अदरक को भी बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ लहसुन को भी हमने पतला पतला काट लिया है। तो हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है, अब ये हरी मिर्च अदरक लहसुन को इसमें हम डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे नींबू का जूस, तो 3 नींबू लिया है हमने, इसका सारा जूस इसमें हम डाल देंगे। तो इससे ये अचार बहुत टेस्टी, चटपटा और मज़ेदार बनेगा, और एक बढ़िया सा फ्लेवर आएगा इस अचार में। ये काफ़ी समय तक चलेगा, इसे ये प्रिजर्व करेगा, यानी कि सुरक्षित करेगा ये। तो फ्रेंड्स, आपका अचार ख़त्म हो जाएगा पर ये ख़राब नहीं होगा, और ये सालों साल चलेगा। तो इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून नमक। नमक और नींबू के जूस से इसे हम मैरिनेट करेंगे, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हम रख देंगे ढककर 4 से 5 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम है तो इसे आप रात भर के लिए भी रख सकते हो। और इसे हम रख देते हैं साइड में, और इसके लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है एक पैन, इसमें डाल देंगे 4 बड़े चम्मच सौंफ। तो सौंफ आप छोटी बड़ी कोई सा भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ 3 बड़े चम्मच इसमें हम राई डाल देंगे। तो 2 चम्मच पीली सरसों डाल देंगे इसमें हम, और 1 चम्मच जीरा, और 1/2 टीस्पून हम इसमें मेथी डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें हम 1/2 टीस्पून अजवाइन डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे एकदम मीडियम रखना है, तो लो मीडियम फ्लेम पे इसे 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। और मसालों का कलर चेंज हो गया है थोड़ा सा, तो इसमें हम 1 छोटी चम्मच कलौंजी का डाल देंगे। तो इन मसालों से ये अचार बहुत टेस्टी बनेगा, और हेल्थ के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है ये मसाले। तो मसालों में अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, और ये थोड़े से भून के बड़े भी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से सिक गया है हमारा मसाला, इसे अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो इसे हम रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए, और अचार में डालने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक तड़का पैन लिया है, इसमें हमने 1 कप सरसों का तेल डालकर रख दिया है गर्म होने के लिए। तो इसे हमें धुआं निकलने तक अच्छे से गर्म करना है, ताकि इसमें से इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और इधर मसाला भी ठंडा हो गया है, तो इसे इस मिक्सी जार में डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी, और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा अचार में। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच नमक, या फिर स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच इसमें हम काला नमक डालेंगे, और 2 पिंच हींग डाल देंगे इसमें। तो इस मसाले को अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अचार के मसाले को हमने पीस लिया है, तो अब हम इसे इस प्लेट में इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। तो इस मसालों में अब हम डाल देंगे सरसों का तेल जो हमने गरम किया था, तो 4 से 5 बड़े चम्मच तेल इसमें हम डाल देंगे, और इसे डालकर अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो तेल के साथ मसाले को अच्छे से मिला लिया है, और ये मसाला एकदम रेडी है अचार बनाने के लिए। और यहाँ पे मिर्ची लहसुन अदरक भी एकदम परफेक्ट है अचार बनाने के लिए, और ये अच्छे से मैरिनेट भी हो चुकी है। तो अब हम इन मिर्चों में मसाला भर लेते हैं। तो 1 मिर्ची लेंगे इस तरह से, और इसमें हम 1 चम्मच भर के इसमें मसाला डाल देंगे। तो आप चाहें तो इसे हाथों से भी भर सकते हैं इस तरह से, और मसालों को खूब अच्छे से दबा दबा कर इस तरह से मिर्चों में भर दीजिए। तो इसमें जितना अच्छे से हम मसाला भरेंगे टाइट करके दबा के इस तरह से, उतने ही ज़्यादा ये मिर्ची हमारी अच्छी बनेगी, और उतनी ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगेगी। तो इसे आप दाल, चावल, पूरी, पराठा, या जिन्हें अचार खाना पसंद है उन्हें ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये अचार। तो इस तरह से सारी मिर्चों को भरकर हमने तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम अचार को स्टोर कर लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे एक कांच का जार लिया है, आप इस तरह से कांच का जार या फिर चीनी मिट्टी वाली जार ले सकते हैं। तो दोस्तों, अचार रखने से पहले जार को अच्छे से धोकर सुखा लीजिए पंखे में या फिर धूप में, इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल जो हमने गरम किया था 2 से 3 चम्मच, और इसे डालकर इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लास्टिक के डिब्बे में अचार बिल्कुल भी ना रखें, इससे अचार जल्दी ख़राब हो जाता है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से जार को ऑयल से कोट करके अब हम इसमें एक एक करके इन भरे हुए मिर्चों को डाल देंगे, और थोड़े से मिर्चों को बचा लेंगे हम इसमें बाद में डालेंगे। तो अब इन मिर्चों के ऊपर हम ये लहसुन और अदरक को डाल देंगे जो हमने नींबू और नमक के साथ मिक्स करके रखा था, और इसे 2 से 3 चम्मच डालेंगे और इन्हें डालकर अच्छे से इनके ऊपर फैला देंगे, और ये जो बचे हुए मसाले हैं इनके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे और अच्छे से फैला के इस तरह से स्पून से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके ऊपर ये जो बचे हुए मिर्च हैं इसे भी हम डाल देंगे इसमें। तो मिर्च थोड़ा सा दबा दबा के रखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से सारी मिर्चों को हमने भर लिया है, आप देख सकते हैं। तो लास्ट में ये सारी अदरक और लहसुन इसमें हम डाल देंगे, और सारे बचे हुए अचार के मसाले इसमें हम डाल देंगे इसके ऊपर, और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे डाल के। तो फ्रेंड्स, अगर ये हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस तरह से अचार को जार में भर लेंगे, और अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल जो हमने गर्म किया था, और इसे ढककर रख देंगे धूप में 3 से 4 दिन के लिए। तो आप चाहे तो इसके ऊपर कपड़ा बांधकर धूप में रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह से आप अचार बनाएंगे तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और सालों साल चलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।